नमस्कार, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आज की प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। कूचबिहार में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ समर्थकों में नाराजगी, कूचबिहार पार्टी कार्यालय में हुई जमकर तोड़फोड़। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की इंजन में लगी आग, दो की मौत। कांग्रेस ने सिक्किम के लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची की जारी। मालदा में भीषण अग्निकांड में 6 मकान जलकर खाक। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर हुए भाजपा में शामिल। 4 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक गिरफ्तार। वह सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी करने के बाद समर्थकों में भारी असंतोष के बीच पार्टी मुख्यालय में की जमकर तोड़फोड़। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। कूचबिहार में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ समर्थकों में नाराजगी, समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में की जमकर तोड़फोड़ व कूचबिहार जिला अध्यक्ष मालती राभा राय के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बहिष्कृत तृणमूल नेता नीतीश प्रमाणिक को भाजपा द्वारा कूचबिहार लोकसभा सरद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कूचबिहार में भाजपा समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। नाराज भाजपा समर्थकों ने भाजपा जिला पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। इन लोगों ने जिला अध्यक्ष मालती राभा राय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले के खिलाफ भाजपा समर्थकों ने शहर में विरोध रैली भी निकाली। रैली में लगे फ्लैग्स में भाजपा के नाम पर दिनहाटा के स्मगलर को वोट नहीं दिए जाने की लोगों से अपील की गई। इस फ्लैक्स में लिखा गया था कि या तो अच्छा उम्मीदवार दिया जाए या फिर नोटा में बटन दबाए। इस घटना के बाद से जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आज के कूचबिहार जिला नए सारा पश्चिम बंग के समग्र बांग्ला के पुलिस शासन माध्यम पराधीन कर रखा हो कूचबिहार एक नम्बर भारतीय जनता पार्टी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की चौथी सूची। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने पर लगे हैं। सत्ता पर फिर से पकड़ बनाए रखने को लेकर कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में बीजेपी शनिवार को अपनी चौथी सूची जारी कर सकती है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची होली के दिन जारी की थी और इसके बाद से अब तक वो कुल 3 सूची जारी कर चुकी है। आज जारी होने वाली चौथी सूची में बीजेपी झारखंड, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सिलीगुड़ी से 20 किलोमीटर दूर चटहाट के पास अचानक शुक्रवार की दोपहर अब चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के इंजन में अचानक आग लग जाने से 2 की मौत। आग लगने की खबर को लेकर ट्रेन में बैठे यात्रियों में काफी उत्तेजना का माहौल देखा गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में आग की खबर से चलती ट्रेन से कूदने के दौरान 2 यात्रियों की मौत हो गई है। इसके बाद घटना की खबर स्थानीय लोगों द्वारा फांसीदेवा दमकल और फांसीदेवा थाना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही फांसीदेवा दमकल विभाग और फांसीदेवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत किए जिसके बाद वे आग पर काबू पा सके। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों की जानकारी नहीं मिली है। होली के दिन शुक्रवार को मालदा जिले मानिकचक थाने के मथुरापुर क्षेत्र के मोमिन टोला गाँव में लगी भयावह अग्निकांड में 6 मकान जलकर हुए खाक। जानकारी के अनुसार मोमिनपाड़ा निवासी छेदु मोमिन नामक एक व्यक्ति के रसोई घर में सबसे पहले आग लगी, जो देखते ही देखते आग आसपास के मकानों को अपने चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद इन परिवार के सदस्यों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान एवं घर का सामान बचाने में जुट गए। स्थानीय लोग आग बुझाने में लग गए। कुछ देर बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उनके देर पहुंचने का आरोप लगाते हुए उन्हें आग बुझाने के काम से दूर रखा। नाराज लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस घटना में काफी मात्रा में नकदी, खाद्य सामग्री, बर्तन आदि जलकर राख हो गए हैं। सिक्किम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी लोकसभा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची की जारी। कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों में रिंचेन पोंग समष्टि से फुचुंग लोपचा, धर्मदीन से पासंग ग्यालछेन शेरपा, बरफुंग से सांडुप लेपचा,
नामची सिंगीथांग से कमलालाई राय, मल्ली से हरि बसनेत, रांगांग यांगांग से टंकनाथ अधिकारी, तुमिन लिंगी से संकित लेपचा, पश्चिम पांडम से विनोद त्रिखत्री, नामचेबुंग से भरत बसनेत, सियारी से छेवांग दोर्जी, सियारीबाट छेवांग दोर्जी भोटिया, मार्तम रुमतेक से सोनाम टासी भोटिया, अपर तादोंग से अनीता गुरुंग, अपर बुतरुक से अनीता तामंग, काबी लुमचोक से ग्युर्मिक युसेल भोटिया और लाचेन मंगन व संघ से आचार्य कर्मा टासी भोटिया के नाम शामिल हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी ले अप्रूव करे को हमरो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सिक्किम विधानसभा चुनाव 2019 को निम्ति 32 एउटा क्षेत्र को कैंडिडेट्स को नाम सूची अप्रूव भएर आको छ र यसको अनाउन्समेन्ट को लागि तपाईहरुलाई यहाँ निम्काएको हो। म यो कैंडिडेट को लिस्ट म पढेर सुनाउँदैछु। योक्सम टासिडिङ टेमारिजिङ भुटिया, याङथाङ मङ्गल लिम्बू लिस्ट दिनुहुन्छ नि हजुर है, मानेबुङ देन्ताम दिपेन्द्र गुरुङ, गेजिङ बर्मेक दलबहादुर कार्की, रिन्चेबुङ खुचुङ लेप्चा, दरामदिन पासाङ ग्याल्चेन शेर्पा, सोरेङ च्याखुङ तेजबहादुर रावत, जुम सालघारी गङ्गामाया सिन्चुरी, बार्फुङ सान्डुप लेप्चा, पोकलोक कामराङ ईश्वर प्रसाद राई, नाम्ची सिङ्गीथाङ कमला राई, मल्ली हरि बस्नेत, नामथाङ रातेपानी सन्समान छेत्री, तिमी नाम्फिङ दीपक कुमार भण्डारी, राङगाङ याङगाङ टिकानाथ अधिकारी टङ्कनाथ अधिकारी सरी, तुमिन लिङ्गी सङ्कित लेप्चा, खामदुङ सिङताम तोलाराम गोरागाई, वेस्ट पाण्डम देवकुमार प्रधान, विनोद तिखत्री, रिणक देवकुमार प्रधान, सुजाजेन गोपाल छेत्री, नाथन माछङ दोर्जी वङ्दी भुटिया, नाम्चेबुङ भरत बस्नेत, सियारी छेवङ दोर्जी भुटिया, मार्तम रुमदेक सोनाम छिरिङली भुटिया, अप्पर तादुङ अनिता गुरुङ, आरिथाङ सुमित्रा राई, गेङटोक स्नुमित तार्गेन, अप्पर बुर्तुक ऐदा तामाङ, कवि लुङचुक युर्मी युसल भुटिया, जोङ्गु पेन्जोङ लेप्चा, लाचेन मङ्गन र सङ्घमा चाहिँ एउटै क्यान्डिडेट छ हाम्रो आचार्य कर्मटासी भुटिया। कोचबिहार से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार परेश चंद्र अधिकारी ने नामांकन पत्र जमा कर किया 5 लाख से अधिक वोटों से जीत का दावा। कूचबिहार लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार परेश चंद्र अधिकारी ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र जमा किया। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं राज्य के उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविन्द्रनाथ घोष भी उपस्थित थे। इससे पहले श्री अधिकारी ने सुबह मंदिर में पूजा व मस्जिद में इबादत की। सुबह वे अपने समर्थकों के साथ रैली कर कूचबिहार जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र जमा किए। इस अवसर पर कूचबिहार के तृणमूल कांग्रेस नेता तथा राज्य के वन मंत्री विनय कृष्ण विधायक उदयन गुहा, तृणमूल कांग्रेस के कूचबिहार जिला परिषद के सदस्य अब्दुल जलील अहमद, पंकज घोष समेत अन्य वरिष्ठ नेता व काफी संख्या में मां समर्थक मौजूद थे। 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार जलपाईगुड़ी अदालत में किया पेश। एनजीपी थाने के पुलिस ने 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बीती रात एक व्यक्ति को सूर्यसन कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान महेंद्र सरकार के रूप में बताया जा रहा है। आज आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। एनजीपी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महेंद्र सरकार होली के दौरान पड़ोस में रहने वाली एक 4 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्ची के परिवार की ओर से मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद आरोपी को सुरेशन कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद, आप कहीं मजा बने रहिए एसके लाइव के साथ। की तपाई काखी र खुट्टा गन्हाउने समस्याले पीड़ित हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ फ्रेडोरा, पुरुष र महिलाको निम्ति एउटा 100% आयुर्वेदिक उत्पादन। शरीरको दुर्गन्धबाट सम्पूर्ण मुक्ति अनुभव गर्नुहोस् फ्रेडोरा, जसलाई ज्वालामुखीय पृथ्वीबाट जडीबुट्टी र खनिजहरूद्वारा तयार गरिएको छ।
फ्रेडोराले दुर्गन्ध उत्पन्न गर्ने किटाणुहरूको वृद्धिलाई रोकेर लगातार 24 घण्टाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिदछ। दुर्गन्ध मुक्त जीवनको निम्ति हाम्रो 7 दिने मनीब्याग च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुहोस्। फ्रेडोरा अब तपाईँको नजिकैको पसलहरूमा उपलब्ध छन्। अझ धेरै जानकारीको निम्ति लग अन गर्नुहोस् fredora.co.in। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रङहरूमा देखिन्छ, रङ जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मेदमा हिता सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरतीदेखि आकाशसम्म रङ हो पियासको। PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, the Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sevak Road, Siliguri. For inquiry, call 97333-41141. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसके लाइव में बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी द्वारा दूसरी लोकसभा व विधानसभा सूची जारी करने के बाद पार्टी समर्थकों ने पार्टी मुख्यालय में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पार्टी के भीतर उम्मीदवारों को लेकर व्यापक असंतुष्टि देखी गई। परिणाम स्वरूप सिक्किम के इंदिरा बाईपास मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए तोड़फोड़ की। परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाकर परिस्थिति को नियंत्रण में किया गया। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर हुए भाजपा में शामिल, दिल्ली लोकसभा चुनाव सीट से हो सकते हैं उम्मीदवार। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उनके बीजेपी में जुड़ने की बात पिछले काफी समय से सामने आ रही थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगा वे उसे पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद के साथ संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुए गौतम गंभीर ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में जुड़ रहा हूं। इसके बाद वे अमित शाह से मुलाकात किए। 2011 विश्व कप और 2007 T20 विश्व कप में भारत के जीत के सूत्रधारों में शुमार रहे पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा कि वो बीजेपी में शामिल होने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गौतम गंभीर को नई दिल्ली लोकसभा चुनाव सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, हालांकि इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। दार्जिलिंग जिले के ब्लूमफील्ड ऋषिहाट समष्टि के अंतर्गत ऑरेंज वैली चाय बगान के लगभग 15 घर गोरमुआ छोर गोजुमा विनय तमंग के गुट में शामिल हो गए। सभी को GTA चेयरमैन विनय तमंग ने दलीय पताका देकर पार्टी में स्वागत किया। अलीपुरद्वार जिलाधीन कालचीनी खंड के चाय बगान बस्ती में शुक्रवार को आई आंधी के कारण व्यापक रूप से हुई क्षतिपूर्ति। उक्त आंधी के कारण भारी मात्रा में सुपारी के पेड़ गिर गए, साथ ही श्रमिकों के कच्चे मकान भी गिर गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर के गिरने से अब हम कहां से पैसे लाकर घर बनाएंगे। आंधी के कारण बिजली पड़ी सेवा भी ठप पड़ गई है। बिजली ना होने के कारण बस्ती में पीने का पानी मिलना भी बंद हो गया है। राती हवा आयो, हवा आ राती हवाले सब घरहरु नै भत्काइ दियो, अन्त त्यो मास्को ढ्याङहरु नि जरासुदै उखाली दियो। उखालेर हाम्रो घर अब गरिब दुखीको घरहरु बर्बाद पार्दैछ। यस्तो गरेर उखालेर भत्काएर अब हाम्रो पैसा पनि छैन, अब बनाउने पैसा पनि छैन, के पैसाले बनाउनु। घरमा यस्तो गरेर खती बनाइदिएछ हाम्रो घरहरू सबै, अन्त हाम्रो पैसाहरू पनि छैन बनाउने पैसा, यस्तो बिजोग पारिदिएछ। अब के पैसाले बनाउनु हामी यो पाकरहरू सब। होली की मस्ती में झुमे अलिपुरद्वार के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार दशरथ तिर्की। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में व्यस्त दिख रही हैं। उत्सव त्यौहार से लेकर अन्य सामाजिक कार्यक्रम चुनाव के इस मौसम में राजनीतिक पार्टियां अपने जन समर्थक की जुगाड़ का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में अलीपुर द्वार के तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दशरथ तिर्की ने शुक्रवार को आम लोगों के साथ रंगों का त्यौहार होली का जमकर लुत्फ उठाया। रंग बिरंगे रंगों में सने श्री तिर्की ने आम लोगों को अबीर लगाया और सबको होली की शुभकामनाएं दी। चालकों को होली के दिन भी नहीं मिली छूट। होली में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसीलिए पुलिस ने की जमकर चेकिंग। किसी भी बड़े हादसे को रोकने के लिए पुलिस बल भी थी तैनात। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, यानी SK Live के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।